वेलकम राजधानी 24x7 न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक। बैतूल में चोरी के एक मामले का जब खुलासा हुआ तो एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपनी रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए पहले प्रेमिका के घर पर खुद चोरी की और फिर उसे चोरी का सामान लौटाते हुए ये कहानी बताई कि उसने अपनी जान पर खेलकर चोरों से ये सामान छीना है। हालांकि प्रेमिका की नाराजगी दूर हुई या नहीं ये अलग बात है, लेकिन प्रेमी महाशय अब जेल में प्रायश्चित करने रवाना हो चुका है। बैतूल के महावीर वार्ड के एक सूने मकान में 2 मार्च की रात चोरी हुई, जिसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं थी। जब वो वापस लौटे तो घर के सामने मोहल्ले का ही एक लड़का प्रेम खट से हाथ में कुछ सामान लिए खड़ा था। प्रेम ने उन्हें बताया कि उसने 2 चोरों को वहां से भागते हुए देख और रोकने की कोशिश की, जिसके बाद चोरों ने उस पर हमला किया और सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए, जिसमें एक लैपटॉप और कुछ जेवर थे। इलाके के लोग भी प्रेम की बातों में आ गए और चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को कहानी झूठी लगी और उन्होंने प्रेम से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पहले तो प्रेम द्वारा बताई जानकारी काफी बिखरी सी थी, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो प्रेम ने आखिर सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि जिस घर में उसने चोरी की वहां उसकी प्रेमिका रहती है, जो कुछ दिनों से रूठी हुई है। बस उसकी नजरों में खुद को हीरो साबित करने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने आरोपी प्रेम के घर की तलाशी ली, जहां एक स्पीकर के अंदर से चोरी किए गए 92,000 रुपये नकद, सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी प्रेम को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए अपराध नहीं बल्कि कोई सीधा सच्चा रास्ता अपनाना ज्यादा समझदारी का काम होगा। 2 तारीख को थाना कोतवाली में फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनके घर में अलमारी का ताला टूटकर कुछ सामान चोरी हो गया है, जिसकी तस्दीक थाना प्रभारी कोतवाली महोदय द्वारा घटना की तस्दीक करने पर तथ्य सामने आए कि उनके ही जान पहचान का एक व्यक्ति प्रेम खड़ से, जिसने घटना के दिनांक जब फरियादिया और उनके परिवारजन बाहर गए हुए थे किसी पर्सनल काम से, तब वो घर पर आए और लगभग घर में अलमारी में कुछ कैश और सोने का जेवरात रखे हुए थे, उनको चोरी कर लिया गया। जब उस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया और हमें पता चला कि उसने ये प्लानिंग के तहत किया था और अपने ही घर के म्यूजिक सिस्टम में इस सामान को छुपा दिया था ताकि पुलिस इसकी घटना की जानकारी ना लगे। और थाना प्रभारी कोतवाली महोदय ने और उनकी टीम ने इसमें 24 घंटे के अंदर इस माल मसरूका को बरामद किया और बहुत ही उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया। ये आरोपी के क्या संबंध थे उस परिवार से? आरोपी के उस परिवार से पहले से जान पहचान थी। उनके फरियादिया की बेटी अपूर्वा है, उनसे इनके कुछ समय पहले प्रेम प्रसंग थे। बैतूल से अरुण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजधानी न्यूज। Please subscribe, share, comment and like.